अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। मेरे महकमे में दो अंग्रेज आ गए, तवज्जो है साहब हजरात की। नहीं कौन आ गए? उन्होंने मैनू आख्या तुहाडे बुजुर्गों ने भी कम पाया, साडे ने भी पाया। यार तुम कहते हो मुसलमान बड़े कामिल लोग गुजरे हैं, सानू भी को कामिल बखा। एक मरतबा सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला नो अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहां गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। उन्हें आके फिर जिन्हें नाल मेरा पीर प्यार करदा या अहमद रजा कोई आम तो नहीं ना। फिर ए तो कुछ और ही होने लगा। आपने उन्होंने कहा चलो मेरे साथ इमाम अहमद रजा के पास चलो भाई। उन्होंने जनाब अपनी वर्दी पहनी, वो चूंकि आते जाते रहते थे ना, वो शरपुर वालों के मुरीद। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्हें पैगाम कल है जी मैं फलाना है आला हजरत के, आ जा तो हो जाए मुकाबला। आला हजरत साहब घास पे बैठे दीन का काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का। केड़ा पागल है जड़ा थे जाके करेगा वो नाजरा। उसने कहा मेरे साथ दो अंग्रेज भी हैं और वो चाहते हैं कोई सवाल हल हो जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तवज्जो है साहब हजरात की। नहीं आपने उसे बुला लिया, वो आए ना तो पैंटे पहनी हुई है, तो उसने अपना जनाब ली वो असलहा पिस्तौल भी लगाया हुआ है। आला हजरत के पास आके बैठ गया, जदों वेख्या ना ते वेखदे ही रहे। आला हजरत एडे चिट्टे सन भी चिट्टा कपड़ा भी काला लगदा सी। अल्लाह ने इंज दी वजाहत और नूर अता फरमाया सी। सरकार ठहर जाओ, सबर करो। विसाल अली ज़हीर साहब जो है ये इन्होंने अलबरेलविया किताब लिखी, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन फौत हो चुके हैं। ये लिखते हैं कि जनाब अहमद रजा बरेलवी का रंग निहायत स्याह था, उनके मुखालफीन उन्हें अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये कहते हैं कि तुम्हारे नबी का एक फरमान है, मैं उसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा अभी। ऐसा सारा मौलवियों को पूछा जाएगा कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो क्या इस उम्मत में कोई है? आला हजरत ने फरमाया बथेरे ने। इट पट्टो ते एक मौलवी मिलता नवा मसला तुम दसता है। वो कहन लगे कोई सानू बखा दियो ते असी मन जांगे। फलाने ली सरकार, कां वाली सरकार, कुत्तियां ली सरकार, घोड़ियां ली सरकार, पता नहीं क्या क्या यार। तो आला हजरत साहब ने फरमाया ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुसी मसला पूछा था मैं जवाब दिता। उनमें से एक बोला भी पहले जो नबी थे ना, अल्लाह ने उन्हें गैब का इलम दिया था, वो जान जाते थे जानवरों की बोली। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत दाऊद को देखें, तो काबे हजरत ईसा, हजरत मूसा देखें, बड़े कमाल का। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन सर तुम इंजीनियर तो है नहीं हो, तुम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते, तो आडे नाल इंजीनियरिंग होगी। ऊपर से ना कूंजे उड़ती आ रही थी, कूंजे। हाय हाय हाय, समझ आ रही है? नहीं तो एक अंग्रेज कहने लगा, ओ जड़ियां कूंजा आउंदियां पईयां ना ते चूं चूं करदियां, उड़तियां तो जब बोलती हैं। उन्हें आख्या जे तुसी दसो ना भी ये कूंजा की पईयां गल्लां करदियां ने ते असीं कलमा पढ़ लांगे। बहुत नाजुक सूरत हाल है, समझ आ रही है? गुलिस्तान या औलिया, ये फैसलाबाद से किताब छपी, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला। समझ आइए? ना 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 ना। आला हजरत ने फिर ऐंज करके देखा, फिर मुजद्दद था ना वक्त का। खुदा के लिए यार, आपने ऐसे करके नजर उठाई तो आपने फरमाया जड़ी कूंज एक अग्गे तो एक थोड़ी जी पीछे, अगे बिल्कुल इंजी है। बिल्कुल सही, चुप के रखो काम। फरमाया जड़ी पिछली कूंज है ना, उनू अगली कूंज कहंदी पई है, नहीं छेती ओड शाम पैंदी पई, तां घर पहुंचना है। मने ऐसा कब कहा था? ते पिछली कूंज ये कहंदी पई है भी मेरे पैर च लग गया कंडा पिछली वादी दे विच, ते नहीं मेरे कोल उड़िया नहीं जांदा। हुण अच्छा, दोनों के पास बंदूक थी, उन्होंने ऐसे उठाया निशाना लगाया, कूंज गिर गई। इत्तेफाक से गिरी भी वो जो पिछली थी, वेख्या ते पैर दे विच कंडा लगी होया सी। Ha ha ha.